ये हैं गुड़ के चूर्ण, बहुत ही स्वादिष्ट बेसन से बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बनाइए। नमस्कार, संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं। आज लेके आए हैं हम बेसन से गुड़ वाले सेव बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये जाड़े के मौसम में, बरसात के मौसम में, किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको खाने से कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है, हेल्थी भी है। ये हमने बेसन ले लिया है। ये बेसन अच्छा बेसन है, मतलब घर का ही बना हुआ बेसन है ये। और ये हमने 250 ग्राम बेसन ले लिया है। इधर ये गुड़ है, गुड़ भी साफ है। आपके पास इससे थोड़ा कलर में हल्का हो वो भी ले सकते हैं। ये मेरा डार्क का गुड़ हो गया है। ये देखिए, ये फ्रेश है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, फ्रेश गुड़ है। ये भी 250 ग्राम ले लिया है। और ये हमने एक रिफाइंड ऑयल की पन्नी ले ली है और गोलाई से ये कट कर लिया है। इससे बनाएंगे हम सेव। और मशीन से आप बनाना चाहते हैं तो मशीन से बनाइए, जैसे आप बना सकते हो वैसे उस तरह से। ये कढ़ाई है, कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, अभी ऐसे ही रखा, हमने गैस को ओपन नहीं किया है। चलिए पहले हम इसका ये तैयार बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें पानी डाल के अच्छा सा बढ़िया क्रीमी सा डो बना के तैयार करेंगे। चलिए चम्मच को हम हटा देते हैं, चम्मच से नहीं बनाएंगे हम, हाथ से बनाएंगे, अच्छा सा बनेगा। पहले इसमें होल कर लेते हैं इस तरह से, इसमें पानी एडजस्ट करेंगे। ये हम नॉर्मल पानी है। हाथ को क्लीन कर लेना, चूड़ी वगैरह ऊपर चढ़ा लेना। इस तरह से हम अच्छा सा घोल बनाएंगे। मशीन से बना सकते हैं, चम्मच से बना सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा हाथ से बना सकते हैं उतना अच्छा हम नहीं बना सकते किसी और चीज से। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम से पूरा पानी नहीं डालना, कभी पतला भी हो सकता है। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा बेटर बनाएंगे। ये देखिए, हमने 2 मिनट लगातार हाथ से चलाते हुए बेटर को बना लिया है। इसी तरह से बनाना है हमको, देखिए इस तरह से। अब इसको हम ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद हम सेव बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारा इधर तेल भी गर्म करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए इस तरह से बेटर बनाना है। ये 5 मिनट हो गए रखे हुए डो को, इस तरह का हो गया देखिए। और इधर जो हमारी पन्नी थी वो एक गिलास के ऊपर रख लिया है, क्योंकि इसमें भरते हुए डो को अच्छा ऐसा नहीं, एक प्लेट रख लिया इसमें रखेंगे। और इधर हमने गैस भी चालू कर दिया है, मेरा तेल गर्म हो रहा है। और इसमें थोड़ा सा हम बेटर डालेंगे, देखेंगे कैसा तेल है। तेल के ऊपर आ गया है, मेरा तेल गर्म हो गया है। चलिए भरते हैं इसमें, पास में रख लेंगे गिलास को। एक चम्मच से इस तरह से इसमें भर लेंगे। इस तरह से डो को पकड़ लेंगे पन्नी को और कढ़ाई में डालना स्टार्ट करेंगे। इसे अपने हिसाब से जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाइए। किसी भी तरह से आप सेव इसका देख के बना सकते हैं सबको। पन्नी को रख देते हैं, थोड़ी देर में पक देते हैं। ये देखिए पक रहे हैं अच्छे से। इन्हें पलट देंगे इस तरह से, चिमटे वगैरह से। अच्छे कुरकुरे होने तक पकाएंगे इन्हें। ये सेव पक गए हैं अच्छे से, अब इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से कर देंगे और इस पर रख देंगे।
सभी सिंगों को निकाल लेंगे। उसी तरह से और सिंग बनाएंगे इसमें। इन्हें भी अच्छे कुरकुरे पका लेंगे, अच्छे से निकाल लेते हैं। सभी सिंगों को बना के इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी बेसन के सिंग बना के तैयार कर लिया पका के, ये देखिए। और इधर एक सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे घी एक चम्मच। घी को मैट होने देते हैं। ये हमारा घी मैट हो गया है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। बरसात का मौसम में गुड़ जो है गीला हो जाता है, इसलिए चिपक रहा था कटोरी से। अब इसे चल इस तरह से तोड़ते हुए पकाएंगे। ये देखिए गुड़ मेरा मैट होने लगा है। इसे सिलो आंच पर इसी तरह से पकाएंगे थोड़ी देर अभी। और इधर जो हमारे सिंग रखे हुए हैं ये बड़े बड़े से हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ये देखिए इतने इतने टुकड़े रखेंगे, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जितना रखना चाहते हो उस हिसाब से तोड़ लीजिए। सभी सिंगों को टुकड़ों में हम कर लेंगे। और इधर पूरा ध्यान रखेंगे कि गुड़ कढ़ाई में चिपकने नहीं पाए। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हमने सिंगों के कर लिए हैं, इस तरह से करना है। और इधर गुड़ मेरा पक गया है, ये देखिए। हमको इसी तरह से गुड़ पकाना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे वरना हमारे जो सिंगों पे कोटिंग होती है वो नहीं चढ़ पाएगी। गुड़ पक के थोड़ा सा फूल गया है, बस इतना ही पकाना है। इसमें सिंग डाल देंगे। डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। सभी सिंगों को डाल दिया और अच्छे से मिलाते रहेंगे इन्हें। इन्हें अब तब तक मिलाएंगे तब तक ये जो ये नीचे गुड़ है ये ऊपर कोटिंग की तरह इस पे सिंगों के ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, मिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ अब्सॉर्ब हो रहा है, इसे चढ़ रहा है कोटिंग की तरह। और इन्हें लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडे नहीं हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और लेकिन हमें चलाने का प्रोसीजर कम नहीं करेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे जब तक ठंडा नहीं हो जाएगा, वरना ये हमारे सिंग एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ये हमने सिंगों को एक कढ़ाई से एक प्लेट में निकाल लिए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपसे। ये देखिए अच्छी सी गुड़ की कोटिंग भी चढ़ गई है और अंदर से बेसन भरा हुआ है, अच्छे बने हैं। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। और बना के इसे डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर किसी डिब्बे में भर के रख सकती हैं। इसे एक एक डेढ़ दो महीने जब तक ये नमी नहीं पाएंगे तब तक ये खराब होने वाली नहीं है। और बना के रख लीजिए, कभी भी दोपहर सुबह जितने टाइम आपका मीठा खाने का मन हो इन्हें खा सकते हैं। और जाड़े के मौसम में खाइए तो बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि ये सब गुड़ वगैरह हैं इसमें पड़े हुए हैं, गुड़ बेसन। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा जरूर। और धन्यवाद।